माइनक्राफ्ट बट समथिंग 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 का एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सच में नहीं हूँ। ये फंस गया। अरे बोला ना, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अबे सुबकर, छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइस टॉपिक पे आते हैं। माइनक्राफ्ट माइन और क्राफ्ट नाम के दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका लैटिन या फिर ग्रीक मतलब मुझे पता नहीं, वैसे वो सब जानना भी नहीं है मुझे और इस बारे में बात भी नहीं हो रही है। बट माइनक्राफ्ट में माइन करना और क्राफ्ट करना इज आवर डेली टास्क। बट क्या होगा अगर हमको इस गेम के अंदर माइन करने से वंचित किया जाए? सोचो एक बार भाई, मैं तो सीधा ही गेम को अनइंस्टॉल कर दे। डोंट वरी, ये सब नहीं होगा और मैं होने भी नहीं दूंगा। पर इस चीज को रियल में करने के लिए एंड टेस्ट करने के लिए कि क्या होगा माइनक्राफ्ट के अंदर माइन ना किया सका जाए, मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे हम डॉट या फिर उट को तो छोड़ो, इवन लिप्स को भी नहीं तोड़ सकते। तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड के अंदर इजिली सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी हो जाइए एंड तब तक मैं वर्ल्ड बनाने का तामझाम रेडी कर लेता हूँ। गाइस पता नहीं मेरे हाथ को क्या हो गया, एकदम ज़ॉम्बी लग रहा हूँ, असली वाला ज़ॉम्बी। नहीं, मुझे फर्क आता है रे नकली और सकली के बीच में। ओके मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, देखो ये टूट ही नहीं रहा है। अच्छा मैं ग्रास को तो तोड़ सकता हूँ बट डॉट को नहीं तोड़ पा रहा। यहाँ पे हम किसी भी ब्लॉक की चीज को नहीं तोड़ सकते एंड आई डोंट नो आगे क्या होगा। वैसे ये सीट आपके लिए है मेरे तरफ से। अच्छा इस तरफ एक गांव है, देखो अब ऐसी बात है माइन नहीं कर सकते तो विलेज वगैरह कहीं पर चेस्ट मिली तो उसी सामान से गुजरा चलाना पड़ेगा क्योंकि माइन तो कर नहीं सकते। तो अभी बचने वाली है हमारी बैंड, इस घर के अंदर चलते हैं। भाई दो दो दरवाजे लगा रखे हैं यहाँ पे। भाई मैं बेड भी नहीं तोड़ सकता, इवन क्राफ्टिंग टेबल भी। भाई मैं सोऊंगा कैसे और क्राफ्टिंग कैसे करूंगा? I mean, इसी विलेज में तो जिंदगी भर नहीं रह सकता ना। ओ यहाँ पे रुइंड पोर्टल है, जिस चीज की जरूरत ही नहीं वही चीज रख रखा है। वैसे ये सोर्ड मुझे चाहिए, फिर पता चला कि कोई मॉन्स्टर आ गया। नो वरी, मैं इसको कलेक्ट कर सकता हूँ। देखो गाइज मैं खुद ही ज़ॉम्बी बन रखा हूँ। ओ चेस्ट, भाई रात को हुआ पता भी नहीं चला, सोने के लिए इस घर में चला जाता हूँ। ओ यहाँ पे भी चेस्ट। घर के अंदर बेड के सिवाय कुछ है ही नहीं और बेड में उठा नहीं सकता, इस विलेज से मुझे कुछ खास नहीं मिला। अबे ये बंदा दिन में यहाँ पे क्या कर रहा है, फट जा, मुझे तो डैमेज भी नहीं पहुंचा। ओ आई थिंक ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए ये आइडिया बेस्ट है। देखो मुझे डॉट मिल गया, अब मुझे सारे क्रीपर को फोड़ना पड़ेगा। ए हेलो बच्चे, क्या है तेरे घर पे? ओ एमराल्ड, चल मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे घंटी बजा देता हूँ ना। ओ बच्चा आ रहा है इधर। ये क्या है भाई, आर्मर का बंदोबस्त हो गया। एक्चुअल में आई डोंट नो ये क्या था बट जो भी हो चेस्ट प्लेट और हेलमेट मिल गया। भाई ये बार बार डैमेज दे रहा है यार। हेलो How are you? अभी इस विलेज से निकलने का वक्त हो चुका है, इस तरफ स्नो बायोम है, इस तरफ चलते हैं ना। कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद को पता नहीं है। भाई ये कैसी जगह है, ये पानी अभी अभी गिरा है क्या? ओके यहाँ पे भी एक रुइंड पोर्टल है, मैं कुछ तोड़ नहीं सकता, मुझे चेस्ट चाहिए, एक बूट और एक हेलमेट, वो भी सोने का। भाई कितना गच्चा होता है ये। अभी यहाँ से चलते हैं, साइड से इस तरफ डिजर्ट बायोम आ गई, वहाँ पे मशरूम है। अभी मैं डिजर्ट वाला गांव ढूंढ रहा हूँ और रात होने से पहले मुझे वो गांव ढूंढना है। डिजर्ट टेंपल है क्या यहाँ पे? अबे लॉटरी लग गई मुझे तो। एक्चुअली मैं ब्लॉक नहीं तोड़ सकता, इसका मतलब मैं डिजर्ट टेंपल के अंदर नहीं जा सकता। ओ मैं ऊपर से जा सकता हूँ। नो, भाई ऐसा पिरामिड कहाँ होता है यार, नीचे का ब्लॉक भी पहले से ही तोड़ रखा है, अभी मुझे नीचे जाना है। ओ भाई प्रेशर प्लेट में गिर जाता अभी। ओके इस चेस्ट में मुझे अच्छे सामान मिले हैं, हड्डी का ही को आए रहे इतने सारे। ओ यहाँ पे फेदर फॉलिंग 1 की बुक है, चलो भाई मेरा काम हो गया। अभी ऊपर जाने के लिए सैंड का ही यूज करना पड़ेगा। भाई एक तो ब्लॉक की कमी पड़ रही है, ऊपर से जगह जगह पर ब्लॉक का ही काम है, वैसे गेम भी तो ब्लॉक का ही है। ओके मैं यहाँ से बाहर निकल गया, अभी मुझे जल्दी जल्दी से एक विलेज ढूंढना होगा, रात हो गई है और ज़ॉम्बी मुझे मार डालेंगे। ओ विलेज यहाँ पे गोलम भी है, चल मैं इस घर में सो रहा। ओके गाइज गुड मॉर्निंग। भाई साहब घर है या फिर क्या है ये? अच्छा यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है, मैं अभी आयरन का सोर्ड बनाऊंगा और एक एक्स भी बनाऊंगा बिकॉज ज़ॉम्बी वगैरह इसको मारने के लिए काम करेगा। और अभी मैं वो चीज भी बनाने वाला हूँ, वो बकेट। मेरे पास कुछ स्ट्रिंग पड़े हुए हैं, मतलब मैं इससे ऊल बना सकता हूँ बट बेड बनाने के लिए मेरे पास लकड़ी नहीं है। देखो यार सारे घर खाली है, इससे क्या करूंगा, रास्ता दो मुझे। वैसे यहाँ से चोरी कर लेता हूँ थोड़ा सा। वेट अभी ये गोलम गया, मुझे अपने ब्लॉक्स वेस्ट करने ही पड़ेंगे। लो डर्ट भी खत्म, वैसे भी मार सकता हूँ इसको। भाई इसने कौन सा पोषण पी रखा है, तू क्या उसको प्रोटेक्ट करेगा? ले तू भी। अबे अब दूसरा आ गया। ओ क्या बचाने की सोच रहा है क्या, काफ क्यों रहा है तू, ये मरता क्यों नहीं यार? ओके चलो मर गया, इसको यहाँ से कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे आयरन है पर मैं उसको तोड़ नहीं सकता। ओ दूसरा विलेज, भाई किस्मत कहते हैं इसको, किस्मत। भाई डोंट टेल मी कि ये विलेज अबैंडन्ड होगा। अबे रास्ता चाहिए मुझे ऊपर जाने के लिए, क्या है यहाँ पे? अबे यार खाना कितना खाऊंगा मैं। वो आ गया, देखो वो आ गया। भाई क्या ही तो डैमेज दे रहा है ये। अच्छा गोलम आ गया। आई होप कि गोलम भाई साहब ने उसको मार दिया हो। ओह थैंक यू, मार दिया उसको। अभी मैं आपको रिपेयर कर देता हूँ आयरन से, रुको तो सही। गोलम जी आप भी ना। अबे क्रीपर,
ओ फट गया। अच्छा यहाँ से मुझे ब्लॉक्स मिले हैं, मुझे शायद से यही आइडिया अपनाना पड़ेगा, वरना हम कुछ भी कर पाएंगे बट ब्लॉक कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो मैं अभी जा रहा हूँ डिजर्ट से बाहर, आई मीन सामने ही प्लेन है। मेरे पास एक धासुसा आइडिया है जिससे हम लकड़ी तोड़ पाएंगे, एंड अपने पास एक बार इनफ वुड प्लैंक्स हो गए तो हम घर भी बना सकते हैं। ओके मुझे यहाँ पे खड़ा होके सिंपली रात होने का इंतजार करना है, और जैसे ही रात होगा तो क्रीपर वगैरह स्पॉन होंगे और उनको ब्लास्ट करवा के मैं सिंपली वुड कलेक्ट कर पाऊंगा। एंड आसपास मुझे क्रीपर वगैरह तो नहीं दिख रहा है, भाई इसके लेटोन से दूर हटो, दूर से ही मार देंगे ये। अच्छा वो रहा क्रीपर, इसके नजदीक जाते हैं। हेलो इधर देखो, देख लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से यहाँ पे आ जाओ, इस पेड़ के पास आ जाओ, कम, फट जाओ। ओ हाफ हर्ट में बजाऊं भाई साहब, मजाक है क्या? अभी ब्लॉक से आए बाहर में मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अबे विलेज में भी कब्जा जमा रखा है इन लोगों ने, ये बेड ही नहीं है यहाँ पे। गाइज मैं फंस गया। ओके गाइज इट्स डे टाइम एंड नाउ आई हैव टू गो आउटसाइड। बाहर क्रीपर की बारात है, मैं जा रहा हूँ उसी जगह पर जहाँ पर मैंने कल रात क्रीपर फोड़ा था। दो चार उड़ तो मिल ही जाएंगे, देखते हैं कितने मिले। दो उड, सिर्फ दो उड, दो से मैं क्या करूंगा? ये देखो दुश्मन बहुत साड़ा बन रहा है ना। गाइज ये रहा एक क्रीपर, चल आ जा बे। ओके आ रहा है, और ये ब्लास्ट, सिर्फ एक वुड, पहले दो थे और अभी एक कलेक्ट हुआ तो मेरे पास हो गए तीन, बट मुझे काफी ज्यादा डॉट मिल रहा है। अभी मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो एक रास्ता ओ पिरामिड, यहाँ से आराम से जंप कर लेता हूँ। अबे मेरे पास बकेट था पहले, बट मेरा हाथ नहीं दिख रहा है ना। आई नो कि इसके नीचे TNT है बट मैं इसको तोड़ नहीं सकता। ओ गोल्डन एप्पल, बोन मिल है, उठाओ सारा। एंड मुझे गन पाउडर भी चाहिए, मेरे पास 23 गन पाउडर है अभी। अभी जल्दी जल्दी से सारे चेस्ट लूटते हैं एंड यहाँ से चलते हैं। ऊपर जाने के लिए मुझे फिर से सैंड चाहिए, मैं सैंड से TNT बनाने की सोच रहा था। ओ मेरे पास डॉट पड़े हुए थे, मैंने फालतू में सैंड वेस्ट कर दिए। ओके यहाँ पे अभी हम TNT बनाएंगे, जितने बन पाएंगे उतने बनाएंगे, हाँ सिर्फ एक। अभी TNT को यहाँ पे रखा, नाउ आई वांट टू फ्लिंट एंड स्टील। ओके चलो ये गया एंड डैम, भाई साहब इतने ज्यादा, एक स्टैक तो ऐसे ही भर गए और अभी भी कलेक्ट करना बाकी है। दो स्टैक सैंड मिल गए मुझे, नाउ लेट मी मेक सम TNT, सार बन पाएंगे। यहाँ पे ये, इसके ऊपर TNT एंड जैम, 7 वुड मिल गए, सैपलिंग उठा लेता हूँ, इससे बनाया प्लैंक, इससे टेबल यहाँ पे, इसके अंदर बोन मिल। अभी इसी जगह पर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ, यहाँ पे दो सैपलिंग, यहाँ पे ये वाला, इनमें बोन मिल डालूंगा, यहाँ पे TNT एंड इसमें फ्लिंट। अबे वो नीचे गिर गया, उससे मुझे ब्लॉक के ऊपर रखना था, पर चलो कोई नहीं, दो TNT बाकी है अभी भी, ये कलेक्ट करते हैं पहले। यहाँ पे ये जाएगा, नाइस 25 सूट हो गए। अभी मैं सारे सैपिंग को इसी ट्री के चारों तरफ लगाने वाला हूँ। अबे ओके तो एक विशाल ट्री बना लिया है मैंने, मेरे पास सिर्फ एक TNT है, इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा, यहाँ पे लगा लेता हूँ। ओके गाइज भागो, नाइस 37 वुड आई थिंक काफी है। बेड को यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे पास सामान ज्यादा हो गए तो एक चेस्ट बना लेता हूँ। ओके सारा सामान इसके अंदर, इससे कर दिया सारा प्लैंक्स, इससे भी, भाई लगभग 3 स्टैक हो गए। ओके गाइस तो अभी घर बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, मैं छोटा सा घर बनाने वाला हूँ, बस इतना सा, लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना ही बन पाएगा। बना रहे हैं गाइस अभी भी। वेल डन, मैंने अपने अनमाइनेबल वर्ल्ड के अंदर अपने लिए घर बना लिया, वो भी 6 घंटे लगा के, 6 घंटे। एंड ये रहा मेरा वो घर, इसके अंदर सब कुछ है, क्राफ्टिंग टेबल, बेड, चेस्ट, सब कुछ। एंड दूर से देखते वक्त हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा है, वाओ ये भी हमारा ही है। ए रुक, ये छोटा सा घर बट इसको बनाने में क्या कुछ नहीं करना पड़ा। फिर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ओके उससे भी इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर दो। मैं माइनक्राफ्ट बट समथिंग का और वीडियोस भी डालने वाला हूं, तो या किसी और वीडियो में मिलेंगे। टिल देन मेरे इस घर के साथ साथ, बाय बाय।